राजधानी लखनऊ में आबकारी विभाग की छापेमारी लगातार जारी है, जहां डीएम अभिषेक प्रकाश व उप आबकारी आयुक्त जैनेन्द्र के निर्देशन पर यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह व उप जिलाधिकारी मलिहाबाद द्वारा छापेमारी में 4 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जहां छापेमारी के दौरान 65 लीटर अवैध शराब 750 किलोग्राम लहन बरामद किया गया है। वहीं आपको बता दें, मलिहाबाद क्षेत्र के केवलाहार औलिया खेड़ा गौंदी में होली के त्योहार के मद्देनजर छापेमारी तेज कर दी गई है। ये हमारा एक प्रदेशव्यापी अभियान होली के मद्देनजर जो है पूरे प्रदेश में आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमारे लखनऊ प्रभार में भी सभी जिलों में 6 जनपद में इस तरह का अभियान अवैध मद निष्कर्षण और अवैध मदरा बिक्री के विरुद्ध चलाया जा रहा है। इसके तहत आज लखनऊ में जो कि हमारे स्टाफ द्वारा छापेमारी की गई, उसमें SDM मलिहाबाद के साथ हमारे जिला अधिकारी लखनऊ और उनकी टीम के साथ दबिश दी गई। करीब 65-70 लीटर करीब शराब बरामद हुई और उसमें करीब 4 अभियोग पंजीकृत किए गए और 750 किलो से ज़्यादा जो है अवैध लहन को वहाँ पर नष्ट किया गया। ये छापेमारी की कार्रवाई मलिहाबाद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोला केवलहार औलिया खेड़ा एवं गौंदी थाना मलिहाबाद में संपन्न की गई। ये अभियान हमारा सतत जारी रहेगा और ये होली तक इस तरह की बरामदगियाँ हम लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अवैध मदिरा की बिक्री और उसके डिस्कशन पे रोकथाम लगाई जाए। सर, अक्सर देखा जाता है कि कच्ची शराब पीने से लोग मर जाते हैं, जहाँ पर आप छापेमारी करते हैं वहाँ स्थानीय पुलिस का आपको कितना सहयोग मिलता है? नहीं, स्थानीय पुलिस का भी हम लोग को सहयोग मिलता है। हमारे पास अपनी भी स्टाफ है, हमारे पास अपने पर्याप्त पुलिस बल है। हमारे पास जैसे हम अगर लखनऊ जनपद की बात करें तो हमारे पास प्रवर्तन कार्य के लिए क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक जो है 15 आबकारी निरीक्षक हैं, उनके क्षेत्रांतर्गत करीब 40 से ज़्यादा हमारे पास कार्मिक हैं। तो हमारे पास पर्याप्त बल है, जहाँ होता है हम लोग एक टीम का गठन करके उसमें हम लोग की दबिश की कार्रवाई करते हैं, और जहाँ कोई बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील पॉकेट होते हैं वहाँ पर हम लोग स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लेते हैं। लखनऊ से KKD न्यूज़ संवाददाता विवेक कश्यप की रिपोर्ट।